पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने क्रांतिकारी महान योद्धा हजरत टीपू सुल्तान के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर टीपू सुल्तान के प्रशंसक वर्ग का गुस्सा मोल ले लिया है। बीते शुक्रवार को दिग्रस में तहसीलदार को ज्ञापन सौंप कर फडणवीस पर कार्रवाई की मांग की गई है। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबेर खान की रिपोर्ट। मुंबई के मालवनी इलाके के खेल मैदान का नामकरण देश के महान योद्धा टीपू सुल्तान के नाम पर करने के बाद विपक्ष बौखला गया है। विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस की इस मामले में की गई अभद्र टिप्पणी के बाद टीपू सुल्तान के प्रशंसकों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। इस कड़ी में शुक्रवार को अमन पसंद दिग्रस वासियों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर इस मामले में देवेंद्र फडणवीस पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग उठाई है। इस दौरान दिग्रस तहसीलदार सुधाकर राठौड़ के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम ज्ञापन सौंपकर फडणवीस की कथित टिप्पणी पर आपत्ति दर्ज की गई है। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के शान में इस राज्य के माजी मुख्यमंत्री और अभी फिलहाल विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने अपशब्द कहा, गद्दार कहा, उन्हें अपमानित किया। मैं देवेंद्र फडणवीस को यह बताता चलूं कि इस देश का गौरव हजरत टीपू सुल्तान, अगर आप टीपू सुल्तान को गद्दार कहते हो तो हकीकत में इस देश को गद्दार कहते हो, इस देश के वीर योद्धा को गद्दार कहते हो। हजरत टीपू सुल्तान को देश शेर मैसूर के रूप में जानता है। उन्होंने देश को लूटने वाले ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया था और वे जंग में शहीद हुए थे। टीपू सुल्तान जंग लड़ते लड़ते शहीद होने वाले अत्यल्प शासकों में से एक थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी आदि महान विभूतियां टीपू सुल्तान की वीरता से प्रभावित रही है। संविधान रचयिता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के पन्नों में तक टीपू को शामिल किया है और हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टीपू का उल्लेख महान योद्धा के रूप में किया था। फडणवीस साहब ये भूल गए कि उन्होंने टीपू सुल्तान हजरत रहमतुल्लाह अलैह का ही नहीं संविधान का भी विरोध किया है। उसका कारण यह है, शायद संविधान देवेंद्र फडणवीस साहब ने पढ़ा नहीं अच्छी तरीके से। पेज नंबर 144 पैराग्राफ क्रमांक 60 पर साफ साफ टीपू सुल्तान साहब के बारे में उल्लेख किया गया है और हम ये मांग करते हैं देवेंद्र फडणवीस जी पर देशद्रोह का मुकदमा किया जाए। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह यांच्या प्रति फक्त मुस्लिम समाजाच नव्हे तर पूर्ण राज्याचे तसेच देशाच्या व सर्व धर्माच्या लोकांचा त्यांच्या प्रति आदर आहे। त्यांचा इतिहास जग जाहीर आहे। स्वतंत्राच्या लढाईमध्ये त्यांची जे पहिली भूमिका होती ते आपण कधी विसरू शकत नाही। ईस्ट इंडिया कंपनी जेव्हा भारतात आली होती तेव्हा त्यांनी सर्वांना आवाहन केलं होतं की हे आपल्यासाठी धोकादायक आहे व यांच्या विरोधामध्ये आपल्याला या घ्यावं लागेल। अशा दूरदृष्टी असणारा थोर पुरुष त्यांना महाराष्ट्र राज्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस हे हिंदू विरोधी म्हणतात, हे फक्त त्यांचा अपमान नव्हे तर संविधानाचा अपमान आहे। त्यांना भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति तथा महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी किताब अग्निपंख में नासा के रिसर्च सेंटर में रॉकेट से ब्रिटिश सेना पर हमला करते टीपू सुल्तान और उनकी फौज के चित्र का उल्लेख किया है, जिसके बाद खुद कलाम साहब ने हजरत टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला रॉकेट आविष्कारक बताया था। लेकिन अफसोस कि आज सत्ता से हाथ धो बैठे लोग टीपू जैसे महान योद्धा पर संकीर्ण मानसिकता के राजनीति से प्रेरित दोगलेपन का रॉकेट दाग रहे हैं, जो कि बड़े अफसोस की बात है। वैसे भी किसी भी देश के महापुरुषों का इतिहास समझना है तो तत्कालीन परिस्थितियों को समझना जरूरी हो जाता है। बीते जमाने के राजा महाराजा और योद्धाओं ने भी तत्कालीन स्थितियों के तहत जो निर्णय लिए उसके परिणाम कभी अनुकूल तो कभी विपरीत आए हैं, ये बात कोई नकार नहीं सकता। लेकिन आजकल इतिहास का विपर्यास कर उसे विद्रूप कर तोड़ मरोड़ कर पेश करने और इतिहास के पन्नों में अपने सहूलत की राजनीतिक खिड़की से झांकने का जो चलन जोर पकड़ रहा है वो देश के स्वर्णिम भविष्य को निश्चित तौर पर गहरी चोट पहुंचा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। BCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।